أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी खिदमत में मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने के लिए हाजिर हों कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएंगी और चोरी नहीं करेंगी और बदकारी नहीं करेंगी और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपने हाथों और पाँव के दरमियान से कोई झूठा बहतान घड़ कर नहीं लाएंगी, यानी अपने शोहर को धोखा देते हुए किसी गैर के बच्चे को अपने पेट से जना हुआ नहीं बताएंगी और किसी भी अमर शरीयत में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो आप उनसे बैत ले लिया करें और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब फरमाएं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आपको आज सहरी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान इश्क है। ए प्लस और ए टी वी के नाजरीन जो कि हमें देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा ये साथ ईद उल फितर का चांद नज़र आने तक इसी तरह से जारी सारी रहेगा। आज जो सूरह मुबारका और आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की गई हैं, उसमें जो ख़ास तौर पर फोकस है वो अहद, एक जो कि हमने एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, और इसमें अगर देखा जाए तो एक औरत का एक मर्द के साथ, और ख़ास तौर पे जो मुआशरे के अंदर कुछ आदाब हैं, कुछ सिफात हैं, कुछ मामलात हैं, उनका तस्करा किया गया है। और आज जो मौजू मैंने मुंतखब किया है जिसके ऊपर बातचीत जो है मैं चाह रही हूँ कि हम करें, वो है इस्लाम का हुस्न माशरा। हर निज़ाम कायद जो है वो उस वक्त तक नाकाम हो जाता है जब तक वो अपने साथ एक मखसूस सकाफत नहीं लेके आता। और अल्लाह ताला की तरफ से हमें तो वाज़े पैगाम है कि दायरा इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और जो आयत मुबारका नाजिल की गई फतह मक्का के मौके पर, उनमें भी ये पैगाम बहुत वाज़े है कि आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर दिया।
दीन जो है वो सिर्फ इबादात का मजमुआ नहीं होता, दीन निज़ाम तजारत व मईशत भी होता है, निज़ाम सियासत व अखलाकियात भी होता है। दीन जो है वो एक पूरा मुकम्मल जामे, एक निज़ाम हयात होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। अब होता यह है कि हम इबादात तो करते हैं, लेकिन जो हमारा एक माशरती निज़ाम था, जो एक कॉन्सेप्ट था जिसको कि इस्लाम लेकर आया था, उसे छोड़ देते हैं। यानी आज का चूँकि जुमेरात है, तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हर सोमवार और जुमेरात को लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे की मगफिरत फरमाता है जिसने बिशर्क के अलावा कोई और गुनाह ना किया हो। लेकिन जिन दो लोगों के आपस में कतई ताल्लुक हो, यानी उन्होंने आपस में बोलचाल छोड़ रखी हो, उनका मामला मौकूफ कर दिया जाता है, और उस वक्त तक जब तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सुलह ना कर लें। तो इंसानों का इंसानों के साथ जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। सो हमारी तमाम जो इबादात हैं वो बिल आखिर हमें सिखाती दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमने ईमानदारी के साथ अपने रब के हकूक कैसे अदा करने हैं, और उसी रब के फरमान के मुताबिक इंतहाई ईमानदारी के साथ रब की मखलूक के हकूक कैसे अदा करने हैं, और इन्हीं दोनों हकूक की सही अदायगी के ऊपर हमारा हिसाब किताब और हमारा सवाल जवाब का इनसार है। अब अगर हम देखें तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि हमने बुरी बात को रोकना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कि बुराई को अगर हमें ताकत से भी रोकना पड़े तो हम उसे रोकें, यानी ज़ुबान से रोकें, फिर उसे ताकत से रोकें, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसे दिल में बुरा समझें। ये कमज़ोर तरीन दर्जा है ईमान का। मुस्कुरा के बात करना सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों के एहतराम नहीं करता, और फिर तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से चाहता क्या है, वो क्या निज़ाम है, वो घरों के अंदर क्या माहौल है, वो माशरे के अंदर वो क्या माहौल है। जो अगर हो तो फिर वो दौर वापस आ सकता है जब हम कह सकते हैं इस्लाम के अरूज का दौर है। वरना आजकल जिस तरह से हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसमें बहुत सारे लोग मीडिया को जिम्मेदार समझते हैं और कहते हैं मीडिया इस बिगाड़ का बहुत जिम्मेदार है, और वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, मजा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। सो बहुत सारी इस तरह की फिर हरकतें सरजद हो जाती हैं जब चीज़ें गलत मलत हो जाएं। तो आज हमने इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात करनी है, और मेरे मेहमान गिरामी जो हैं वो हमारे साथ हैं जिनसे हम इस बारे में रहनुमाई लेंगे, और कुछ और चीज़ें भी तस्करा करेंगे जो मैंने बातें की हैं उनके अलावा। और इसमें मेरे साथ हमारे बहुत जाने माने हुए स्कॉलर्स मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर सलाउद्दीन सानी अलाज़री इस वक्त मेरे साथ हैं, इस्लामिक एकेडमिक फोरम और सिंध प्रिंसिपल एसोसिएशन के सदर हैं, और मुजल्ला एलूम इस्लामिया के चीफ एडिटर भी हैं, और उनके साथ साथ अल्लामा ज़हीर आबदी साहब हैं, पाकिस्तान शिया काउंसिल के सदर हैं और शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, और इसके अलावा डॉक्टर जमील राठौर हमें कुछ देर में अभी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ मेरी आज बहुत प्यारी सी मेहमान जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाई हुई हैं, बहुत कमाल किस्म की फोक और लोक और सूफी कलाम गाती हैं पूरी दुनिया में, अपनी आवाज़ और अपने खूबसूरत अंदाज की वजह से जानी पहचानी जाती हैं। मेरे साथ हैं हमारी सनम मारवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आज आपसे आपकी धरती पे मुलाकात हो रही है, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। और डॉक्टर बिल्किस तो मेरे साथ हैं ही, सो डॉक्टर बिल्किस आज हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं भला? आज जन्नत का जो फल है केला, उससे मैं डिफरेंट रेमेडीज बताऊंगी। अच्छा, केले को कैसे हमने इस्तेमाल करना है? एक केला भरा पराठे की आपने इतनी तारीफ कर दी कि मेरा ख्याल है कि अगर आज नाश्ते में घर में केला मौजूद है और साथ पराठे बनाने हैं तो जरा इनका बनाया हुआ केले भरा पराठा जो है वो तो ट्राई करके देखिएगा। चल लगे आप, तो आप उसकी तो रेसिपी बता दें, अगर अभी घरों में खवातीन ने काम शुरू किया है और कोई सुन रहा है तो वो ये जरा डिफरेंट सा पराठा ट्राई करके देख लें। अच्छा, बहुत आसान है। अगर केले को क्या करना है, आपने आटे के साथ गूंद लेना है, आपने केले को मैश कर लें और आटे के साथ गूंद लें, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, छोटी इलायची का पाउडर जो है पीस कर वो भी इसमें शामिल कर लें, ये मीठा बनता है। और आप इसके छोटे छोटे से कुकीज की तरफ इसको छोटे छोटे गूंद, छोटा सा पराठा बना लें, ठीक है, कुकीज की तरह जैसे बिस्किट बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा सा पेड़ा छोटा बनाए और इतना पराठा बनाए कि इतना सा बन जाए।
और ये बहुत मीठा और बहुत अच्छा होता है, चाय के साथ बहुत अच्छा। अगर हम भरते हैं भरे हुए पराठे जैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, भरा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, उसको घूनना ही उसके साथ। अच्छा। उसी के साथ पूरा घून लें आप, और इसके कुकीज बना के बच्चों को दें, जैसे आप बेक करके भी दे सकते हैं इसी तरह घून कर, बहुत अच्छे बनते हैं। और अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। अगर घर में केला मौजूद है और सहरी के लिए आप सोच रहे हैं, छोटी इलायची केला, अगर चाहें इसको गूंदने में आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा दूध आप इसमें, गर्म दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक। और मेरे साथ शेफ समीना भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या क्या बताएंगी आज? आज मैं बच्चों के लिए सहरी बताऊंगी, कि बच्चे सहरी खाने में बहुत परेशानी करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज को डिफरेंट चीज बताऊं जो बच्चों को अच्छी लगने। तो आज मैं पिज्जा ऑमलेट बनाऊंगी, और उसके अलावा मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे से नटी सैंडविचेस। अच्छा, नटी सैंडविचेस जी, चिकन नटी सैंडविचेस, पिज्जा ऑमलेट बनाएंगे। सही। तो आज ये दोनों चीजें जो है आप हमारे किचन में जान सकेंगे। लेकिन सनम, आप यहाँ पे तशरीफ लाई हुई है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब भी मौजूद हैं, जो हमें बहुत सारी हमारी परेशानियों से मुतालिक और आदो वज़ाइफ जो हैं वो हम आपसे पूछते चलेंगे, और आप हमें बताते रहिएगा। हम आपके साथ लाइव भी होंगे ब्रेक्स में फेसबुक पे, सो आप हमसे वहाँ पे भी अगर कोई सवाल करना चाहें, कुछ जानना चाहें तो वो कर सकते हैं। और सनम जी आप हैं, तो फिर कोई एक हमदिया कलाम जिसकी अगर मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँ और आप प्लीज़ वो हमें सुना सकें। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद, रमजान इश्क है। मैं आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम का तर्ज मौशरत, इस्लाम का मौशरती निजाम।
सो बातचीत का अपने आगाज करेंगे और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में डॉक्टर साहब आप चुके तशरीफ फरमाए, क्या पहले इस्लाम का निज़ाम मौशरत है, जिस बुनियादें किस चीज पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जाहिर है कि जो भी माशरा था वो माशरे का निज़ाम उसकी अकदार दरहम बरहम हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इसका आगाज होता है कि आपने एक बेहद, कुरान करीम ने आपके लिए कहा है ना कि आप बेहतरीन नमूना हैं, तो आपने अपनी आमली जिंदगी से उसकी सारी मिसालें पेश की।